रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग के बीच इनबिल्ट सोलर लाइट लगाई जा रही है, जिसके संबंध में जीरे उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि आरकेबीके व कूड़ा घाट के बीच जो पुल है वहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, जिसको देखते हुए इनबिल्ट सोलर लाइट लगाई जा रही है जिसकी बैटरी पोल के अंदर है। इससे चोरी की समस्या नहीं होगी क्योंकि पहले बैटरी बाहर रहता था जिससे चोर बैटरी को चुरा ले जाते थे, लेकिन इनबिल्ट बैटरी रहने से चोरी का खतरा नहीं रहेगा और बिजली का कोई समस्या नहीं रहेगा। इसके अलावा पैडलेगंज से नौकायन के बीच में जो रेलिंग लग रही है उसके बीच में लाइट लग रही है जो कि आकर्षण का केंद्र बन रहा है। रेलिंग का कार्य समाप्त होते ही लाइट जलने लगेगा जो कि 1 से 1.5 महीनों में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा सोलर लाइट की बैटरी पोल के बीच में रहेगा, अगर किसी को चोरी करना है तो पूरा पोल चुराना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा नहीं। जो सोलर लाइटें हम लोग देखिए, दो टाइप की लाइट लग रही है पूरे नौकायन क्षेत्र में, रामगढ़ ताल क्षेत्र में। एक तो आरकेबीके और कूड़ा घाट के बीच में जो पुल है वहाँ पे आपने देखा होगा अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही यूनिक प्रकार की लाइट लगाई है जो कि इनबिल्ट सोलर है। मतलब उसमें पोल है, सोलर पैनल है और बैटरी वगैरह सब इनबिल्ट है, तो जो चोरी की समस्या आती थी वो अब नहीं आएगी। तो वो पूरा लगा है और उसका बिजली का खर्चा बिल्कुल जीरो है। वो अपने आप सोलर से चार्ज होती है और जलती है और बहुत सुंदर भी लग रही है, जैसा कि वहाँ पे जाके देखा जा सकता है। दूसरा, जो हम लोग पैडलेगंज से नौकायन के बीच में जो रेलिंग लगा रहे हैं और रेलिंग में लाइट लगा रहे हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट है, वो बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। जैसे कि हम सभी को पता है कि यहाँ पे जो मान्यता है कि रामगढ़ ताल में भगवान राम स्वयं विराजमान है, इसीलिए उसका नाम राम से शुरू होता है। तो इसीलिए उसमें देखा होगा आपने राम जी का चित्र भी उभर के आता है जब वो लाइट जलती है। तो वो रेलिंग का काम हमारा चल रहा है, लाइट लग चुकी है, लाइट को अभी जलाया नहीं गया है। जैसे ही रेलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तब उस लाइट को जलाया जाएगा ताकि जो है रेलिंग के कार्य में कोई बाधा न हो। तो उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 महीने में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा और पूरा एरिया जगमग करके रोशनी देगा। हाँ नहीं, काफ़ी लग चुकी हैं, लगभग सब लग चुकी हैं उसको। जैसे ये जो पैडलेगंज से नौकायन वाली लाइट है पूरी लग चुकी है, वो ऑन नहीं किया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि रेलिंग बदल रही है। तो उसको ऑन करेंगे तो पर्यटक फिर वहाँ आएंगे सेल्फी लेने, और चूँकि रेलिंग का कार्य चल रहा है तो उसमें व्यवधान आएगा। तो उसको रात में हम लोगों ने जला के देखा था, वो जल भी रहा है, सुंदर लग रहा है। तो 1 महीने के बाद से उसको जलाएंगे। देखिए, जो इनबिल्ट सोलर लाइट्स हम लोग लेके आए हैं गोरखपुर में, यहाँ पे जो पहले भी सोलर लाइट्स बहुत लगी हैं, परंतु चूँकि उसका बैटरी का एक अलग से बॉक्स होता है और उसको चोरी होने का संभावना रहता है, इनफैक्ट चोरी हो जाता है, बार बार बदलना रहता है। तो इसलिए हम लोग शहर में कई जगह ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो सेक्लूडेड है, जो दूर है। जैसे कि अगला प्रोजेक्ट हम लोग महेश्वरा पुल पे करने जा रहे हैं, तो शहर से दूर है वो, और वहाँ पे लाइट लगा देंगे तो वहाँ पे बैटरी चोरी होने का संभावना है। तो इसीलिए वो इनबिल्ट सोलर है, उसी पोल रहती है, पोल के अंदर ही बैटरी सारा सिस्टम उसमें छुपा रहता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है, उसको निकालना इम्पॉसिबल है, उसको करने के लिए पूरा पोल ही ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लगने के बाद पूरे समय लाइट रहेगी, कोई चोरी की संभावना नहीं, कोई इस तरह की संभावना से इनकार किया जा सकता है। तो इसीलिए वो हम लोग वो उस तरह के लाइट्स लेके आए हैं गोरखपुर। सर, इसमें बिजली का कोई खर्च है? बिजली का खर्च बिल्कुल जीरो है, जीरो खर्च पे चलेगा, ये उसकी खास बात है। ये एक तो आरकेबीके और कूड़ा घाट वाले पुल पे लग गया है, एक महेश्वरा पुल पे लगेगा। इसी तरह से कई लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे रात्रि में अंधेरा रहता है। तो जहाँ जहाँ ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ रात्रि में अंधेरा रहता है सब जगह लगा देंगे, कोई हम लोग के पास उसका लिमिट नहीं है, हम लोग अनलिमिटेड वर्क करने को तैयार हैं।